जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। भूगोल की क्लास में आपका स्वागत है और आज हम पढ़ रहे हैं भूगोल का 7वां चैप्टर और बुक है आपकी पहली मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और चैप्टर का नाम है तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप। आज के इस वीडियो सेशन में कुछ इस चैप्टर की जो इम्पोर्टेंट बातें हैं सबसे पहले उनको हम कंप्लीट करेंगे जिससे आपको पूरा चैप्टर है वो क्लियर हो जाए भी इसमें हमें क्या पढ़ना है और साथ में आज के इस वीडियो सेशन से बोर्ड परीक्षा के लिहाज से एक या दो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। मानव अपने आप को प्रकृति का दास नहीं मानता है, हालांकि प्रकृति बहुत ही ताकतवर है लेकिन फिर भी उसमें वो चेंज लाने में सक्षम रहा है और इसी चेंज के तहत मानव अपने जीविकोपार्जन के लिए बहुत सी आर्थिक क्रियाएं करता है। उन आर्थिक क्रियाओं को हम अलग अलग नाम से जानते हैं, तो हम पहले जो अब से पहले हमने जो पढ़ा कुछ उनको शामिल करते हुए टॉपिक को आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, प्राकृतिक संसाधनों का जब मानव सीधा ही उपयोग करता है तब हमने उसको कहा भी वो क्रियाएं हैं वो प्राथमिक क्रियाएं कहलाती हैं, जैसे आखेट करना, संग्रहण करना, फिर कृषि और पशुपालन, खनन, ये जो कार्य थे ये सारे प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं, यानी प्राइमरी एक्टिविटीज के अंतर्गत आते हैं। तो प्राथमिक क्रियाओं से जो चीज हमें प्राप्त होती है हम उनको कहते हैं भी वो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है। लेकिन कच्चा माल किसके लिए है? कच्चा माल ये है उद्योगों के लिए। उद्योग जहां पर प्राइमरी क्रियाओं से प्राप्त उस कच्चे माल का स्वरूप चेंज किया जाता है, उसके अंदर कुछ सकारात्मक परिवर्तन लाए जाते हैं, ऐसा कार्य जहां किया जाता है उनको हमने कहा भी वो द्वितीयक क्रियाएं हैं, सेकेंडरी एक्टिविटीज होती है। तो अब हम थोड़ा सा सेकेंडरी एक्टिविटीज के रूप के इसको कंसेप्ट को भी थोड़ा समझ लेते हैं भी क्या होती है द्वितीयक क्रियाएं। ये कहां पर होती है? ये विनिर्माण की क्रियाएं हैं, ये निर्माण की क्रियाएं हैं, ये प्रसंस्करण प्रोसेसिंग की क्रियाएं हैं जिनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। ये एक प्रकार का मूर्त उत्पादन है। इसके अंदर द्वितीयक क्रियाओं से जो क्रियाएं हैं ये किससे संबंधित है? मूर्त उत्पादन से संबंधित है, जो हम साक्षात जिनको देखते हैं महसूस कर रहे हैं भी हां ये चीज ये पड़ी है वो मूर्त उत्पादन से है। और इस उत्पादन के लिए क्या चीज जरूरी है? ये जो उत्पादन है ये तकनीक के ऊपर, मशीनों के ऊपर और फैक्ट्री के अंदर कौन सी प्रक्रियाएं अपनाई जाती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसका मापन मेजरमेंट किस आधार पर होता है? उत्पादन को हम मात्रा और उसकी गुणवत्ता के रूप में मापते हैं। तो सेकेंडरी जो क्रियाएं हैं, एक्टिविटीज हैं, उनकी ये तीन बातें आप एक बार ध्यान रखें। द्वितीय क्रियाएं मूर्त उत्पादन से संबंधित है, दूसरा ये तकनीकों, मशीनरी और फैक्ट्री प्रक्रियाओं पर डिपेंड करता है ये प्रोडक्शन, और इस प्रोडक्शन को हम उसकी मात्रा और क्वालिटी के रूप में हम जानते हैं। अब इस कच्चे माल को उद्योगों तक लाने और उद्योगों के अंदर तैयार माल को उपभोक्ता तक, कंज्यूमर्स जो उस चीज का इस्तेमाल करता है वहां तक लाने के अंतर्गत भी हमें कई प्रकार की सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है और वो सारी चीजें शामिल रहती है तृतीयक क्रियाओं में, जो अपना आज का टॉपिक है तृतीयक क्रियाओं में। और इन क्रियाओं के लिए हमें भुगतान करना पड़ता है, पैसे खर्च करने पड़ते हैं। जब पैसे खर्च करते हैं तो ये सुविधाएं हमें मिल जाती है। तो अब आप समझिए तृतीयक क्रियाकलाप में कौन कौन सी चीजें शामिल रहती है। तो इसमें व्यापार और वाणिज्य, इसके अंदर परिवहन, इसके अंदर संचार और इसके अंदर जो सेवाएं हैं वो शामिल रहती है। कौन सी सेवाएं? जो अमूर्त जो सेवाएं हैं वो शामिल रहती है। कुल मिला के आप इन चारों से ये बात समझिए भी जहां द्वितीय क्रियाएं मूर्त उत्पादन से संबंधित होती है
वहीं तृतीयक जो क्रियाएं हैं ये विनिमय और अमूर्त उत्पादन से संबंधित होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, तृतीयक क्रियाएं हैं वो विनिमय एक्सचेंज और अमूर्त उत्पादन दोनों से संबंधित होती है। भी यहां उत्पादन की बात भी होती है, लेकिन कौन सा अमूर्त उत्पादन? अमूर्त उत्पादन का मतलब है व्यावसायिक उत्पादन, व्यावसायिक उत्पादन। यहां कोई चीज नहीं बनती है, जैसे कि इसके अंदर मूर्त उत्पादन के अंदर यहां तो फैक्ट्री में कोई ना कोई चीज बनेगी, यहां चीज नहीं बनती है, वो अमूर्त उत्पादन कहलाता है। तो इसमें विनिमय और अमूर्त उत्पादन दोनों आते हैं। भी परिवहन के माध्यम से हम चीजों को इधर उधर ले जाते हैं वो व्यापार कहलाता है। इसमें संचार यानी जो हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण हैं वो हमारी इसके अंदर मदद करते हैं, और इसमें सेवाएं आती हैं। सेवाएं जैसे बैंक की सुविधा हो गई, बीमा सुविधा हो गई, पर्यटन की सुविधा हो गई, ये सारी सेवाएं भी तृतीय क्रियाओं के अंतर्गत शामिल रहती है। इन तृतीय क्रियाओं को कौन निष्पादित करेंगे, कौन पूर्ण करते हैं? इसको करते हैं जो कुशल श्रमिक होते हैं, जो प्रशिक्षित विशेषज्ञ होते हैं, जो परामर्शदाता होते हैं, उनकी सहायता से तृतीय क्रियाओं को संपन्न किया जाता है। जो घड़ी ठीक करने वाला जो घड़ी साज है, नल ठीक करने वाला जो नल साज है, जो डॉक्टर है, जो वकील है, जो टीचर है, ये सारे इसी के अंतर्गत तृतीय क्रियाओं के अंतर्गत शामिल रहते हैं। तो जहां आपका देखेंगे भी द्वितीय क्रियाएं हैं वो मशीनों की तकनीक, उनकी प्रक्रियाएं हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता था प्रोडक्शन। जबकि यहां यहां कौन काम करेंगे? यहां कर्मचारी काम करेंगे, आदमी काम करता है यहां पर। तो यहां इसका जो प्रोडक्शन है, जो उत्पादन है, वो कर्मचारियों की विशिष्ट कुशलता, उनके अनुभव और ज्ञान पर निर्भर होता है। वो मशीनों पर डिपेंड होता है द्वितीय जो क्रियाएं हैं, वो फैक्ट्री के अंदर किस प्रोसेस से चीजें बनाई जाती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और ये जो काम करने वाले जो लोग हैं उनकी कुशलता पर, उनके अनुभव के ऊपर और उनके ज्ञान के ऊपर आधारित होता है तृतीय क्रियाओं का जो प्रोडक्शन होता है। जहां द्वितीय क्रियाओं में उत्पादन को हम मात्रा और गुणवत्ता से नापते हैं, वहीं तृतीय क्रियाओं का जो अमूर्त उत्पादन होता है उसको हम पारिश्रमिक और वेतन के रूप में मापते हैं। भी कितना पारिश्रमिक है जो मजदूरी मिल रही है, कितना वेतन मिल रहा है। हमने स्टार्टिंग में ही कहा ये तृतीय क्रियाएं जो होती है ये हमें भुगतान के बदले प्राप्त होती है। तो यहां एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तभी मैंने आपको कहा भी द्वितीय की तीन बातें याद रखो, फिर मैं कह रहा हूं भी तृतीय की ये तीन बातें याद रखो, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है यहां पर। द्वितीय क्रियाओं और तृतीय क्रियाओं या क्रियाकलाप में एक, दो या तीन अंतर है वो लिखी, तब आपको ये चीज बहुत काम आएगी। एक बार पुनः थोड़ा सा रिवाइज करा दूं, समझिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। द्वितीय क्रियाओं में जो फैक्ट्रियों में जो चीजें तैयार होती है उनकी बात होती है, वो जो तैयार माल है, जैसे ये पेन भी है किसी फैक्ट्री में बनकर आया है, तो ये कहलाता है मूर्त उत्पादन। इसको बनाने में किस, ये जो इसको बनाने का जो सिस्टम है ये किस पर डिपेंड करता है? ये वहां कौन सी तकनीक से इसको बनाया गया, कौन सी मशीन, कौन सा प्रोसेस है वो यूज किया गया, इस पर डिपेंड करता है। और प्रोडक्शन, इसकी क्वालिटी कैसी है, कितनी मात्रा में ये बनता है, कैसी मांग है, उन चीजों के ऊपर ये डिपेंड करता है। वहीं तृतीय क्रियाकलाप है, इसके अंतर्गत इन चीजों को, जैसे ये पेन कहीं पर बना, इस पेन को बनाने में जो चीजें उस फैक्ट्री तक पहुंचाएगी, फिर इस तैयार पेन को अपने पूरे भारत में या दुनिया में जहां जहां इसको पहुंचाया गया उसके अंतर्गत हमें व्यापार, यानी किसी ने किसी व्यापारी ने व्यापार किया तभी तो ये चीज हमें मिली है, किसी ने परिवहन किया है, सड़क, रेल परिवहन, किसी के माध्यम से यह हमारे तक पहुंचा है, संचार, कम्युनिकेशन हुआ है। और इसके अलावा इन काम धंधों को करने के लिए जो बैंक की जरूरत पड़ती है, भी जो बीमा, पर्यटन, जो इनकी जरूरत जो पड़ती है, वो चीजें भी इस तृतीय क्रियाओं के अंतर्गत शामिल होती हैं। अब आप सोचेंगे पर्यटन कैसे हुआ? पर्यटन, देखिएगा, पर्यटन भी एक यात्रा है, यानी परिवहन की दृष्टि से देखिए पर्यटन भी एक यात्रा है, लेकिन यह यात्रा किस उद्देश्य से? जब यात्रा है वो मनोरंजन के उद्देश्य से की जाती है तब हम उसको पर्यटन कहते हैं, टूरिज्म कहते हैं,
टूरिज्म कहते हैं इसको, तो ये भी इसी सेवाओं के अंतर्गत आती है। और तो इधर उधर चीजों को करने में, व्यापार करने में, तो उन चीजों को कहते हैं विनिमय एक्सचेंज, और दूसरा इन सेवाओं को कहा जाता है अमूर्त उत्पादन या व्यवसायिक उत्पादन कहा जाता है। तो इसमें विनिमय और उत्पादन दोनों होते हैं, और इसकी जो निर्भरता है वो कर्मचारियों की कुशलता, अनुभव और ज्ञान पर डिपेंड करती है। और इसकी जो मापने का जो तरीका है, विक्रमियों को जो कर्मचारी है उनको कितनी तनख्वाह मिल रही है उस आधार पर इनको मापा जाता है। भी लो लेवल का काम करने वाला है तो उसको कम सैलरी मिल रही है, एक बाबू को कम सैलरी मिलेगी, एक एक जो प्रिंसिपल होगा उसको ज़्यादा जो तनख्वाह है वो मिलेगी, इस हिसाब से इसको नापते हैं हम। उसके बाद आता है अगला अपना ज्ञानोमुखी सेक्टर, जो ज्ञान पर डिपेंड रहता है, वो है चतुर्थ क्रियाएं। चतुर्थ क्रियाएं, चौथे प्रकार की क्रियाएं कौन सी है, इन चीजों को समझिएगा। चतुर्थ क्रियाएं जो ज्ञान आधारित है, इसके अंदर सूचना इंफॉर्मेशन, यानी किसी चीज का डाटा कलेक्ट करना, फिर उसका विश्लेषण करना और फिर वापस उसका वितरण कर देना, ठीक है भी यहां पर ये चीजें चल रही है, अनुसंधान रिसर्च करना और विकास यानी डेवलपमेंट, इन पर आधारित जो सेवाएं होती है वो चतुर्थ क्रियाओं में शामिल होती है। एक तरीके से आप देखेंगे भी स्टार्टिंग में तो तीन ही प्रकार के मुख्य क्रियाएं होती थी, फिर ज्ञान के आधार पर इनको और आगे बांट दिया, एक और बना दिया चौथा, और चौथे में हम यहां जो सेवाएं थी उनमें से कुछ बाहर निकाल लाए, भी जो इंफॉर्मेशन वाली चीजें हैं, रिसर्च वाली है और डेवलपमेंट पर आधारित जो सेवाएं हैं वो चतुर्थ क्रियाओं में शामिल रहती है। अब बात आती है भी इनमें कौन काम करते हैं, तो इनके अंदर हो गया जो हमारे कार्यालय, जो ऑफिस के भवन हो गए, शिक्षण संस्थाएं हो गई, चाहे वो स्कूल है, यूनिवर्सिटी कैंपस है, वो चीज अस्पताल हो गए, डॉक्टर है, रंगमंच, जो थिएटर है, कलाकार जहां काम करते हैं, लेखा कार्य, जो ये अकाउंट वाला जो काम करते हैं, दलाली की फर्मों में जो काम करने वाले लोग हैं, वो इस चतुर्थ क्रियाओं के अंतर्गत शामिल रहते हैं। तो ये दो चीजें आपको चतुर्थ क्रियाकलापों के अंतर्गत ध्यान रखनी है, इसमें कौन सी सेवाएं शामिल है और किन लोगों की हम बात करते हैं। तो सूचना अनुसंधान और विकास पर आधारित जो सेवाएं हैं वो इसके अंतर्गत आती है। अब आता है भी एक और बना दिया आगे, भी एक प्रकार का काम और होता है और उसको कह दिया भी ये पंचम क्रियाएं हैं। कौन सा? कि हाई लेवल के ज्ञान पर आधारित जो चीजें हैं क्या उनको अपने है ना पंचम में कर देंगे। तो अभी तक तो भाई पांच हो गए, हो सकता है ये आगे छठे सातवें क्या पता कहां तक ले जाएंगे, कहां रुकेगा, ये स्टार्टिंग है या अंत है इसका कुछ नहीं कह सकते। भी रोज नई नई रिसर्च होती जाती है और इन्हीं सेवाओं को जो पहले कहीं एक साथ पढ़ते थे फिर बांट बांट के इनको अलग किया जाता जा रहा है। तो उच्च ज्ञान पर आधारित जो क्रियाएं हैं वो पंचम क्रियाएं कहलाती है, और आप जब इसको समझेंगे तो पता चलेगा भी ये तीसरा जो सेक्टर है हमारा, तृतीय जो क्रियाकलाप है उन्हीं का एक उपविभाग है एक तरीके से, भी जैसे उसी से अलग हुआ है। मैं यही तो कह रहा हूं भी इन्हीं में से अलग करके पहले चतुर्थ बना दिया फिर उसमें से पंचम बना दिया। तो सबसे पहले आप ये समझें भी जो पंचम जो क्रियाएं हैं, क्रियाकलाप हैं, उनमें किन को शामिल किया गया है, कौन सी सेवाओं को। तो देखिए नवीन यानी नए विचारों की रचना और व्याख्या करने वाली चीजें, भी जो इनोवेशन की बात आ गई, और दूसरा नवीन प्रौद्योगिकी, न्यू जो टेक्नोलॉजी है उस पर आधारित जो सेवाएं हैं। तो दो चीज यहां हैं, नवीन विचारों की रचना और उसकी व्याख्या करना वाले काम, और दूसरा नवीन प्रौद्योगिकी पर आधारित जो काम, जो सेवाएं हैं वो पंचम क्रियाओं में आती है, और इन्हें स्वर्ण कोलर के श्रमिक हैं वो कहा जाता है। और इसके अंतर्गत किनको शामिल करेंगे फिर इन सेवाओं के अंतर्गत, उच्चतम स्तर पर निर्णय लेने वाले लोगों को, और दूसरा नीतियों का निर्माण करने वाले लोगों को, जो देश के लिए पॉलिसी बनाते हैं, किसी स्टेट के लिए कोई पॉलिसी बनाते हैं, हाई लेवल के ऊपर जो डिसीजन लिए जाते हैं वो लोग इसके अंतर्गत शामिल रहते हैं। अक्सर आप देखते हो कोई काम होता है, कोई आदेश आता है तो ये कह दिया जाता है उन बंद ऐसी कमरों में बैठे लोगों ने ये निर्णय ले लिया
क्या यह सही है? तो यही वो लोग हैं जो बंद एसी कमरों की बातें समाज में जिनके लिए कही जाती है वो पंचम क्रियाओं से जुड़े हुए लोग हैं, जो उच्चतम यानी सर्वोच्च लेवल के ऊपर जो डिसीजन लेते हैं और विभिन्न कामों को करने के लिए जो पॉलिसियां बनाते हैं अलग अलग विभागों के लिए, देश के लिए, वो इसके अंतर्गत शामिल है, वो रहते हैं। अब यहां पर भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे ये था ना द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों में अंतर बताइए, उसी प्रकार से एक प्यारा प्रश्न चतुर्थ और पंचम क्रियाकलापों में अंतर बताइए। तो चतुर्थ क्रियाकलापों में सूचना आधारित, अनुसंधान और विकास आधारित सेवाएं शामिल है, वहीं पंचम के अंतर्गत नवीन विचारों की रचना वाले और नवीन यानी नई प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी पर आधारित सेवाएं शामिल है। और चतुर्थ क्रियाओं में जहां कार्यालय, भवन, शिक्षण संस्थाओं, अस्पतालों, रंगमंचों, लेखा कार्य और दलाली की फर्मों में काम करने वाले लोग शामिल रहते हैं, वहीं पंचम के अंदर उच्चतम यानी सर्वोच्च हाई लेवल पर निर्णय लेने वाले और नीतियों का, पॉलिसियों का निर्माण करने वाले लोग हैं, वो इसके अंतर्गत शामिल रहते हैं। तो ये थी आज की अपनी वीडियो क्लास, जिसमें एक बेसिक जानकारी इस चैप्टर की प्राप्त की है और आप समझ रहे होंगे भी एक या दो बोर्ड के इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको आज की इस क्लास से अवश्य ही मिलेंगे। तो कहते हैं ना, पहले चैप्टर को अच्छे से आत्मसात करने के लिए उस चैप्टर के अंदर क्या कहानी है उस कहानी को समझना बहुत जरूरी है, फिर चैप्टर अपना बहुत ही इजी हो जाएगा। अब अगले वीडियो सेशन में हम क्या पढ़ेंगे, हम तृतीय क्रियाकलाप को मुख्यतः से पढ़ेंगे, जिसमें हम व्यापार, वाणिज्य, परिवहन, संचार, सेवाओं के बारे में, विशेषकर पर्यटन है, इनके बारे में हम विस्तृत रूप से अब आगे जाके अगले वीडियो सेशन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो आप आज की इस क्लास के इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स फॉर्म में उतारिएगा, ये शॉर्ट नोट्स हैं एक तरीके से, इनको मैं आपको समझा रहा हूँ और वीडियो देखकर इनको नोट करके फिर आप पाठ्य पुस्तक पढ़िएगा, आपको आनंद आएगा और टॉपिक भी अच्छे से समझ में आएगा। चलिएगा, फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।